नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सरिता कुमार। आज हम बात करेंगे शांति स्वरूप बोध जी से, जो कि बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं। हम इनसे आज बात करना चाहेंगे महिलाओं के ऊपर, जो कि बहुत जो बहुत महिलाएं हैं वो अधिकतर 16 श्रृंगार नहीं करती हैं, और जो 16 श्रृंगार करती हैं उनके क्या औचित्य हैं। धन्यवाद बेटे सरिता, और सुरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। जो एसएम टेलीविजन आज निकला है अंधविश्वास को फाड़ने की डगर पर, ये अपने आप में एक उत्साहजनक प्रयास है। बौद्ध महिलाएं श्रृंगार उस रूप में नहीं करती हैं जिस रूप में दूसरे समाज की महिलाएं करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कारण यह है कि बौद्ध धर्म किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में यकीन नहीं करता। वो उस चीज, उस प्रत्येक वस्तु में यकीन करता है जो हर एक व्यक्ति पर लागू होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप कहीं एक महीने भर काम करते हैं तो आपको महीने के आखिर में नगद या चेक के रूप में एक तनख्वाह मिल जाती है, या आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। मगर जब पंडित जी ये कहते हैं कि आप इतने दिन का व्रत रखो और आपको ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, तो वो एक धुएं में लट चलाने वाली बात है, अंधेरे में लट चलाने वाली बात है। उसका परिणाम, ठोस परिणाम कुछ नहीं है। दिमाग मान लेता है कि भाई पंडित जी ने कहा है तो शायद तुझे कोई लाभ हो गया होगा। बहरहाल उसका प्रमाण कोई है नहीं। ये जो 16 श्रृंगार की भी जो बात है उसका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं। अब जैसे यहाँ पर माथे पर एक लाल बिंदी औरतें लगाती है शादीशुदा, और उनको कहते हैं ये सुहागन है। क्या है सुहागन? वो खाली उसमें एक बात का पता चलता है कि ये महिला शादीशुदा है। तो हमारा कहना ये है, एक बुद्धिवादी होने के कारण, मानवतावादी होने के कारण, कि आप महिला को तो एक पेटेंट लगाना चाहते हो उसके माथे पर, कि उसको कोई देख ले और दूर से पहचान ले कि ये शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है। या आदमी के लिए तुमको क्यों जरूरत महसूस नहीं होती? ये आदमी को भी कोई ऐसा निशान लगाओ ना जिससे पता चल जाए कि ये किसी एक पत्नी के प्रति समर्पित है, उसके अलावा किधर भी झांक के देखेगा तो गुनाह है। तुम औरत को ही क्यों ऐसा करना चाहते हो? औरत को, शादीशुदा औरत को आप निशान देने के बाद उसको क्यों एक जगह बांध के रखना चाहते हो? मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा बम्बई में कि सर, जो हिंदू महिलाएं श्रीमती लिखती हैं अपने नाम के आगे और आप कहते हैं आप उपासिका लिखा करो, तो हम शादीशुदा औरतों के लिए क्या लिखें? हमने कहा आप औरतों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप औरत को श्रीमती लिखोगे तो वो शादीशुदा है, उसे कुमारी लिखोगे तो वो कुमारी है। हालांकि कुमारी शब्द की अगर आपको व्याख्या करेंगे तो काम कौमार्य से जुड़ा हुआ है, वो जो काम भावना है उससे जुड़ा हुआ है। मगर शब्दों के उसमें ना जाकर के आम आदमी खाली पंडित जी ने क्या कहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये जो औरत का ही क्यों आप श्रीमती कहना चाहते हो? आदमी को शादीशुदा आदमी और गैर शादीशुदा आदमी, उसमें भी अंतर करो ना। औरत के पीछे क्यों लठ लेकर पड़े हो? क्योंकि औरत को भोग की वस्तु मानते हैं आप। औरत को ही देखना चाहते हो कि इसका भोग करने से पहले हम इसको देख लें कि ये हमारे मतलब की है या नहीं है। ये तो नारी के प्रति अत्याचार की पराकाष्ठा है। इसके ऊपर तो पार पाना पड़ेगा, ऐसी प्रथाओं को निरस्त करना पड़ेगा। आज मैं ये मानता हूँ कि बौद्धों में उपासिका होती है। उपासिका कौन होती है? जो पांच शील जीवन भर पालन करने का व्रत लेती है, संकल्प लेती है, उसका एक प्रण लेती है, वो है महिला। तो कोई महिला वो तो शादीशुदा भी हो सकती है और बगैर शादीशुदा भी हो सकती है। हम श्रीमती शब्द का उल्लंघन करते हैं, उसका त्याग करते हैं। मगर एक बहुत सुखद समाचार अभी आया है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनती है इंग्लैंड में, दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश डिक्शनरी, सबसे प्रमाणिक डिक्शनरी है, उन्होंने मिसेस शब्द खत्म कर दिया। अब मिस लिखते हैं, शादीशुदा लड़की है तो, और शादीशुदा नहीं है तो, दोनों के लिए मिस शब्द आता है। तो उनसे सबक सीखो ना। और आप अपने यहाँ ये श्रीमती शब्द एक शादीशुदा औरत के लिए और जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए दूसरा शब्द, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। अब ये जो तिलक की प्रथा आई कहाँ से? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी की किताब है, उसमें लिखा है कि एक बार एक पंडित जी जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। वहां पर यमराज आ गए। यमराज आने का मतलब ये उसकी मृत्यु निकट आ गई। इतने में क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर से एक गंदे पक्षी ने बीट की, बीट कहते हैं ना,
और वो पंडित जी के माथे पर आकर गिरी। वो यमराज उसके पास आए, हालांकि बकवास कहानी है, मगर उन्होंने अपनी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए बकवास ही किया है। बुद्धि तो उनके पास है नहीं, इसलिए बुद्धिवाद नहीं है। तो वो यमराज कहते हैं, भाई अब तो तेरा ये माथा गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, अब मैं जाता हूँ, फिर कभी तुझे पकड़ूंगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस दिन से लोगों ने उस जानवर की बीट का तिलक लगाना शुरू कर दिया, और बाद में समय के साथ साथ फैशन बढ़ता गया, तो वो जानवर की बीट से वो चंदन पर आ गया, चंदन पर आ गया, फिर चंदन से बहुत सारे तरीके, अब वो त्रिपुड आ गया, ऐसे भी लगाते हैं, तीन का भी लगाते हैं, पांच का भी लगाते हैं, एक का भी लगाते हैं, ऐसे भी यूं भी लगाते हैं, त्रिशूल का, बता रहे कितनी तरक्की कर ली, पर इसका लाभ क्या है? ये सारे पाखंड का लाभ क्या है कि तुम जो तिलक लगा लगा के इस सारे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। जो लोग तिलक नहीं लगाते हैं, जो लोग बिंदी नहीं लगाते हैं, आज उनका उनके आविष्कारों से सारा संसार मालोमाल है। तुम एक सुई तो बना नहीं पाए, ये तिलकधारी पेपर का आविष्कार नहीं कर पाए, ये तिलकधारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं कर पाए। ये सारे काम बौद्धों ने किए, चीन के बौद्ध भिक्खुओं ने किए। इन्होंने मोबाइल नहीं बनाया, इन्होंने इंटरनेट नहीं बनाया, इन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया, इन्होंने आपका टेलीविजन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। इन्होंने आविष्कार क्या किए हैं? भोंदूगिरी के आविष्कार किए हैं, और कुछ नहीं है कि जो संसार में जो चीज संभव ही नहीं है ना, वो इन्होंने अपने झूठे प्रचार के माध्यम से उनको संभव कर दिया। गोबर को पूजो, गाय के मूत को पियो, गाय को माता मानो, और अपनी माता को तुम साले वहां वृद्धाश्रम में छोड़ाते हो, और एक जानवर को माता मानो। जानवर को माता मानने के पीछे जो गाय और चमड़े के आधार पर व्यवसाय करने वाली जातियां हैं, उनको प्रताड़ित करने का षड्यंत्र है। जो चमड़ा जो गाय का उतरेगा, या अब गौ रक्षा पीछे छूट गई, अब गोवंश आ गया। गोवंश में ऊंट भी आ गया, भैंस भी आ गई, नील गाय भी आ गई, अब इनकी भी हत्या जुर्म हो गया। कमाल है, आदमी की हत्या करते तो मैं दर्द नहीं आता, और जानवरों की हत्या के पीछे तुम हजारों लोगों का कत्ल कर देते हो। ये तो पागलपन की निशानी है ना। तुम वो हैं ये गौ रक्षक, जिन्हों के वेद उठाकर देख लो, आज भी वेदों में तीन ज्ञान मिलेंगे आपको। क्या ज्ञान मिलेगा? कि गाय का कौन सा मांस खाना है, उसका क्या लाभ है। व्यक्ति को काम शक्ति बढ़ानी है तो गाय का कौन सा हिस्सा खाना है। व्यक्ति को अपना रूप सौंदर्य बढ़ाना है तो गाय का कौन सा हिस्सा खाना है। आपको धन संपत्ति अर्जित करनी है तो उसके लिए गाय का कौन सा हिस्सा खाना है, ये बड़ा पड़ा है। स्त्री को भोगने के उपाय उसमें लिखे हैं, शराब बनाने के तरीके, शराब पीने के तरीके, कौन सी शराब से ज्यादा नशा होगा, वो सब लिखा है। ये अनर्थ तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और तुम उनको पूज्य मानते हो, और उसी की वजह से तुम आज भी जो सारे घृणित काम है वो तुम करते हो। गोबर की पूजा तुम करा रहे हो, लिंग कोई आदमी खड़ा होकर के दिखा दे उसके पीछे पड़ जाएंगे, मार देंगे उसको, मगर तुम रोज लिंग की पूजा कर रहे हो। तुम कुंवारी लड़कियों से लिंग की पूजा करा रहे हो, मंदिरों में क्या है? ये सारा का सारा अनर्थ है, थमना चाहिए। इसमें मानव कल्याण कहीं कुछ नहीं है। अब महिला के ऊपर तो इतना संकट है साहब, उसके नाक में भी निशान लगा दिया कि ये तुझे डालना है, ये तेरे सुहाग की निशानी है। कान में भी डाल दिया, अब कान में पहले एक डालते थे, झुमका डाल लिया या कोई बाली डाल ली, अब तो कान नीचे से ऊपर तक डेकोरेट होने लगा। क्या पागलपन है! जो लोग दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं वो ये कुछ भी नहीं करते, और तुम ये सारा काम करने के बाद भी तुम बोंदू के बोंदू ही हो। तुम्हें फिर भी झूठ का सहारा लेना पड़ता, तुम्हें फिर भी षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, और तुम फिर क्या कहते हो कि ये नारी जो बनी है ये अपने पूर्व कुकर्मों के कारण नारी का जन्म मिला है। अरे नारी का जन्म जो मिला है कुकर्मों के कारण मिला है, मगर नारी तो बड़ी महान है। तुमने नारी को महान बनने नहीं दिया, फिर तुम क्या तो नारी महान नहीं है। सावित्री बाई फूले का हमने बताया आपको, अभी और भी बहुत सारी नारियां हुई हैं, उनको मौका मिला था, और दुनिया में उन्होंने अपनी कीर्ति स्थापित की है। बौद्धों का एक गौरवशाली बिंदु ये है कि वर्तमान ये जो नवजागरणवाद का काल चल रहा है, इसमें दुनिया में जितनी भी महिलाएं राजनीतिक हैं, उसमें सबसे पहली राजनीतिक महिला, सफल राजनीतिक महिला श्रीलंका की सिरिमाऊ भंडारनायके है। वो पहली वहाँ की प्रधानमंत्री बनी। ये भुट्टो, इंदिरा गांधी, मार्गरेट एलवा इंग्लैंड की ये बात की है। तो जो बौद्ध धर्म नारी की स्थापना में यकीन करता है, और ये लोग नारी को भोग्य वस्तु मानते हैं। ये जो आपके जो योगिनी हैं मंदिर में, वो काहे के लिए रखी हुई हैं? देवदास मंदिर में काहे के लिए रखी हुई हैं?
तुम्हारे तुम किसी औरत को फंसा के ले आए हो, बहला के ले आए हो धर्म का झांसा दे करके, वो तुमने मंदिर में उसको रखा हुआ है, वो कहीं भाग ना जाए, उसके पैर में घुंघरू बांध दिया, उसको पायल कह दिया, क्यों? क्यों जाएगी तो पता चलेगा ये निकल के भाग रही है। और क्या हो गया, ये घंटे का आविष्कार, घंटा लटका दिया मंदिर में। मंदिर में हो क्या रहा है? मंदिर में पुजारी जी, महंत जी पड़े हैं महिलाओं को लिए हुए, कोई उसको देख ना ले। तो उसका उन्होंने कोड वर्ड बनाया कि पहले जब मंदिर में जाओगे पहले घंटा बजाओ। तो घंटा बजाने का मतलब यह है कि कोई आ गया, तुम जो अनाचार पूर्ण मुद्रा में पड़े हो समझ जाओ, कपड़े पहन लो, महिला को छुपा दो। तो ये वो घंटे का आविष्कार इन्होंने कर लिया। इन्होंने पैर में पहले कड़ूले पहनते थे मोटे मोटे, वो बेड़ियां थी, गुलामी की बेड़ियां थी, उसको महिमा मंडित करके उसे आभूषण कह दिया, उसे जेवर कह दिया, वो तुम्हारी जान के दुश्मन है, उसको जेवर कह दिया। इन्होंने जितने संस्कार है, कुछ संस्कार मैं उनको कहता हूँ, जिन्होंने प्रचार के माध्यम से उनको स्थापित किया है, और प्रचार का असर उस पर होता है जिस पर अकल नहीं होती, और अकल से अकल के नजदीक हमें जाने नहीं देंगे। अब हमारे बच्चों में अशिक्षा का प्रचार किया जा रहा है, सरकार कहती है सर्व शिक्षा अभियान, लगता है कि भाई बड़ा अच्छा अभियान है, मगर बच्चों को तो बोंदू बनाने का अभियान चल रहा है ना, उनको आप पढ़ाते नहीं, बगैर पढ़ाए पास कर देते हैं। अब उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, काय की ट्रेनिंग दी जा रही है, कटोरा लेके लाइन में खड़े रहो तुमको दलिया मिलेगा, तुमको खिचड़ी मिलेगी, ये हो रहा है। अब अभी मुझे पता चला है कि भाई कुछ लोगों को ये कहा गया है, ये गरीब बच्चे हैं, इनको अपने घर से एक एक फल ला करके दो, उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये धर्म के नाम पर हो रहा है। अरे सुधर जाओ, ये जो बहुजन समाज अब इसने अंगड़ाई ले ली है, अब ये बुद्धिवाद के रास्ते पर चल पड़ा है, ज्योतिबा फूले के, सम्राट अशोक के, भगवान बुद्ध के, बाबा साहब के रास्ते पर चल निकला है, अब ये थमने वाला नहीं है। तुम्हारा ये जो थूक का महल तुमने खड़ा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।